तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं तुम लोगों को, यह सबक जिंदगी भर याद रखना, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। बिना पैसे के आदमी की कोई कदर नहीं है इस संसार में, ठीक है। लक्ष्मी को माता कहा जाता है और माता इतना शब्द इतना आवश्यक है किसी भी बच्चे के लिए। अगर लक्ष्मी माता हैं तो तुम उनके बच्चे हुए, और बच्चा तभी सुरक्षित है जब वो माता के साथ में रहता है। बिना माँ का बच्चा किसी काम का नहीं है, समझे। अपने यहाँ तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने नाना के यहाँ रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, हमने देखा है यहाँ पे। एक इसके पहले एक लड़का था, एक अभी भी लड़का है, उनकी उनके यहाँ से भेज दिया गया है, उनकी माँ ने भेज दिया, जाओ नाना के घर में पढ़ो जाके। और नाना उनसे चारा करवाते हैं, गोबर उठवाते हैं। वो अपनी माँ के साथ में होता तो क्या उसको ये करना पड़ता? सोच सकता है वो बच्चा, छोटा सा कच्चा एक दो में पढ़ने वाला, गोबर उठाने वाला होता है, लेकिन उठवाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माता से अलग रह रहा है, उसकी सुरक्षा खत्म हो गई। किसी भी बच्चे की सुरक्षा कब तक है? जब तक वो अपनी माँ के साथ में रहता है। इतनी जरूरी होती है माँ। बिहार की घटना बताई थी तुमको, बाघ उठा ले गया 9 महीने का बच्चा, और उसकी माँ ने बाघ के साथ में झीना झपटी करके अपने बच्चे को बचा लिया। माँ घायल हो गई, उसके बाद में उसकी खबर हमको नहीं पता है क्या हुआ। उसके सीने में घाव हो गया था, अंदर तक पंजे लग गए थे बाघ के सीने में, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचा लिया। ये होती है माँ। तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है संसार में, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कभी भी माँ का अनादर मत करना। और बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि पैसा बहुत जरूरी है। तो जब बड़े होना ऐसे बनो, अभी से ऐसे बनो, अभी से लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हम जब बड़े होंगे तो अपने मम्मी पापा का सहयोग करेंगे। कैसे करोगे सहयोग? आजकल कुछ भी सहयोग कर दो किसी काम का नहीं है। जब तक रुपए पैसे से मदद नहीं करोगे तो ऐसे बनो कि कुछ रुपए पैसे कमा सको इस संसार में, समझे। रुपए पैसे जब कमा लोगे, कमाने लगोगे, पैसा कमाने लगोगे, अपने पापा को दोगे, अपने मम्मी को दोगे, तो उनका कुछ सहारा बनेगा। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मम्मी पापा की चोरी करते हैं, पैसा उनको देने की बात खत्म कर दो, बड़े बड़े हो गए। जैसे अभी तो तुम छोटे हो, अभी पैसा कमाने वाले नहीं हो, अभी 4 में हो 5 में हो, अभी तुमसे हम ये नहीं कह रहे हैं अभी कमाने लगो, लेकिन अभी से निर्धारित कर लो। जो बच्चे सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हम बड़े होंगे तो अपने मम्मी के लिए ये करेंगे, कार लेंगे, घर बनवाएंगे, ऐसा घर बनवाएंगे, ये करेंगे, ये मन में लक्ष्य रखो। जब ये मन में लक्ष्य रखोगे तो जरूर फिर तुम्हारा मन उसी की तरफ चलता चला जाएगा और तुम ऐसा कर लोगे एक दिन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो संसार में सबसे जरूरी क्या है? पैसा। ये बात ध्यान रखना, खेल कूद जो खेलते हो। और पैसा कैसे आता है? पैसा आएगा कमाने से। चलो किसानी कर लोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है भैया। किसानी कर लोगे पैसा आ जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। सबसे औजार तुम्हारा बढ़िया ये है। ये क्या है? पेन। ये छोटा है लेकिन इसका जितना उपयोग करोगे उतना ज्यादा रुपया आएगा कम मेहनत में। तो अभी से इससे प्यार करना शुरू करो, यही तुमको पैसा दिलाएगा। तुम्हारी जो अम्मा है कौन? लक्ष्मी माता। उनसे कौन मिलवाएगा? ये क्या है? पेन। ध्यान रखना, इसका प्रयोग करना सीखो। पढ़ने में तुम लोग बहुत अच्छे हो, हम संतुष्ट हैं। 4-5 में हो, 2-4 बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोग बहुत अच्छे। इसी तरह पढ़ते रहो, हम तुमको 5 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद में जाओगे 6, 7, 8, 9, 10, वहां संगत खराब होती है। ध्यान रखना, अभी तो छोटे हो, अभी भगवान का रूप माने जाते हैं बच्चे। संगत तुम्हारी खराब होगी जब जूनियर की कक्षाओं में जाओगे, हाई स्कूल की कक्षाओं में जाओगे, 9-10 में जाओगे, तब ऐसे ऐसे तुमको लड़के मिलेंगे, तब तुमको गलत राह पे ले जाएंगे। तुमको तरह तरह की बातें बताएंगे, सिगरेट पियो, जुआ खेलो, दारू पियो, बियर पियो, तब तुमको भ्रमित नहीं होना है। अपने मन को अभी से मजबूत कर लीजिए, अपने मन को अभी से मजबूत कर लो कि हमको अपने मम्मी पापा का सहारा बनना है, समझे। और ये जो लड़कियां बैठी हैं, ये विशेष ध्यान रखें, इनकी स्थिति भारत में ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब है, समझे। इनकी ज्यादा अच्छी नहीं है स्थिति भारत में लड़कियों की। देखो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शादी करके दूसरे घर में जाना पड़ता है। सबसे बड़ी जो इनके साथ में अन्याय वाली बात है, सामाजिक है, वो रीति है, उसको अन्याय कहो या कुछ कहो, लेकिन दूसरे घर में जाना पड़ेगा शादी करके, जाना पड़ता है।
दूसरे घर में अकेले जाना पड़ता है, वहाँ मम्मी पापा नए, भैया नए हैं और भतीजे नए, सब नए नए, और दूसरे घर में गई तो गई, उसके बाद में सुबह सुबह उठो, सबसे पहले चाय बनाओ, फिर उसके बाद में खाना बनाओ और चाय फिर सबको ले के जाओ, समझे। चाय उनके घर में चाय सबको समय से ना मिलती हो चाय, लेकिन जब कोई बहू आती है नहीं तब बताते हैं, बहू को समझाया जाता कि हमारे भैया जो हैं वो, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो ये छोटे भाई हैं, ये बेड पे चाय लेते हैं, तो वो अब बहू बनाएगी चाय, फिर उनको बेड पे देने जाएगी, फिर उससे डिमांड किया जाएगा लड़कियों से जब बहू बन के जाती है कि चाय के साथ में नाश्ता जरूर करते हैं ये, अब वो नाश्ता भी बनावे कुछ, उसके बाद में फिर गिलास लेने जाए, फिर उसमें कुछ कमी हो जैसे वो देने गई चाय, उसके बाद में उसमें अगर कुछ शक्कर नहीं है कुछ नहीं है तो उसको, इसमें तो शक्कर ही नहीं है कैसी बनाई है, हमारी मम्मी ज़्यादा बढ़िया बनाती हैं, ऐसे करके प्रताड़ित किया जाता। उसके बाद में सबसे बाद में खाए पिए और उसके बाद में बर्तन भी मांजे, स्कूल में पोछा, अपने घर में पोछा भी लगाए ससुराल में, तो इस तरह से वो बहू नहीं उसको पूरा क्या समझ लेते हैं, नौकर। अब आप समझो, दिमाग लगाओ, कोई लड़की अपना घर छोड़ के गई, सबसे बड़ी जो मानसिक जो स्थिति उसकी खराब होगी, क्या होगी कि हमारा घर छूट गया, उसके बाद में वो जहां गई वहां सुख से रहने के बजाय उससे क्या करवाया जा रहा, काम। काम करो, सुबह उठो सबसे, सबसे बाद में सो, और बीच में झाड़ू पोछा बर्तन भी करो, क्या आनंद है जिंदगी में, है कुछ आनंद महिलाओं के है। और घर में रहो और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हो ज्यादा, घूमने की फिरने की भी आजादी नहीं, क्योंकि बाहर भेड़िए बैठे हैं हमारे तुम्हारे जैसे, वो गलत नजरों से देखते हैं बाहर जब जाती हैं लड़कियां, वैसे तो देवी कहा जाता है, तो बड़ी स्थिति खराब है। तो लड़कियों को तो बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए, लड़कियों को बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए, यही एक ऐसी चीज है जो बचा सकती है इस, ये जो समाज है इसमें अगर कोई सहारा है तुम्हारा तो बस ये है पेन, जो यहां से लेके ससुराल तक तुम्हारे साथ जाएगा, मम्मी पापा सब यहीं छूट जाएंगे, भैया भाई जो तुम्हारा है बहुत प्यारा है सोनम, यो केवल रक्षाबंधन में जाएगा एक दिन और 500 रुपया देगा बस, उसके अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारी अगर मदद करेगा तो केवल कौन करेगा, पेन। अगर तुमने मन से पढ़ लिया और कहीं पुलिस उलिस में लग गई जॉब तो खुद तुम्हारे हाथ में डंडा होगा, जिसके मन हो 2-3 लगा दो, क्यों भाई है कि नहीं, कोई बोलने वाला होगा तुमसे, तमाम नौकरी होती है, टीचर की नौकरी है कर लो, सुबह रंगबाजी से निकलो घर से 5 बजे, न काम करना न कुछ, शाम को पहुंचे अपना 4 बजे और लेट गए आराम से सो रहे हैं स्कूल में जाओ, वहां पे अपना पढ़ाया लिखाया बच्चों को, अपना बैठे बात कर रहे हैं, खेल कूद कहानी, बच्चों के बीच में तो बहुत अच्छा लगता है, हमको तो सबसे अच्छी यही नौकरी लगती है, हमने बहुत काम किया, उसके बाद में जब ये नौकरी लगी हमारी समझे तो हमको सबसे अच्छी यही लगती है, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे इनसे बात करो, खेलो खूब, है कि नहीं है, खूब वीडियो बनाओ, खूब मस्ती करो, उसके बाद में छुट्टी हो जाए घर चले जाओ, तो सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, ये है। दूसरा, पुलिस की भी नौकरी बहुत बढ़िया है, जिसको मनो रोक लो, 2-3 बातें पूछो, अगर ज्यादा रंगबाजी दिखाए क्या किया फिर तब पुलिस की भी बहुत बढ़िया जॉब है, डॉक्टर वाली भी बढ़िया जाओ है, डॉक्टर वाली अगर डॉक्टर बन गए तो आदमी आएंगे तुम्हारे पास, साहब गैस बन रही क्या करें, तुम लीनु पेन लिखी 2-3 दवाई लाओ 500, एक पर्चा लिखने कितने 500, 600, 1000, डॉक्टर वाली जॉब भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारी जॉब है, लेकिन मिलेंगी कैसे नौकरी, पढ़ाई से, पेन अभी से उठाइए वरना जाना पड़ेगा ससुराल में, और वहां सबको आगे आगे हाँ हजूरी करनी पड़ेगी, बाद में सब कहेंगे इसमें नमक नहीं है, इसमें टमाटर नहीं पड़ा है, इसमें लहसुन नहीं पड़ा है, ऐसे करके परेशान कर देंगे, और तुम लोग जो लड़के लोग हैं खेती किसानी करनी पड़ेगी, तो अगर लक्ष्मी माता से मिलना है, हमने बताया बेटा कब तक सुरक्षित है, बेटा कब तक सुरक्षित है, जब तक वो माँ के उसके पास अगर माँ है तो बेटा फिर उसको कोई छूने वाला नहीं है, तुम्हारी माँ ये तो हमारी संसारिक माँ हो गई, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक और माँ है, कौन, लक्ष्मी माँ, उसको भी पाना है, वो भी अपने पास में होना चाहिए, जेब में और घर में, तब बहुत सुरक्षित रहोगे। अरे अब तुम बाहर गए, तुम्हारे पास लक्ष्मी माँ है, जेब में पड़ी हुए हैं रुपए, ठीक है,
अब तुमको भूख लगी, जहाँ जिस होटल चले जाओ, राजा साहब की तरह बैठो, पैसे दिए तुमने, तुम्हारे पास सब व्यंजन आ जाएंगे एक से, समझे कि नहीं समझे, वहीं कुर्सी पर, और अगर नहीं है तो खड़े रहो, भूखे भूखे खड़े रहो, मांगो हमको बाबूजी खिला दीजिए, थोड़ा रुपए दे दीजिए कुछ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये स्थिति होती है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो हमारे जो सुमित हैं ये जा रहे हैं दिल्ली, क्यों जा रहे हैं, इन्हीं पे बात चली थी, खड़े हो सुमित, इनके पिताजी दिल्ली में काम करते हैं सुमित के, और उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक जो घर में कमाई का जो स्रोत था वो हो गया है बंद, तो इनकी मम्मी अब जा रही है कमाने, समझे, तो ये स्थिति समझ रहे। अब ये बच्चा 2-3 महीना स्कूल नहीं आएगा, और इसकी जगह पे ये इसकी दो बहनें यहाँ रह जाएंगी, और पूरा परिवार दिल्ली में है, पापा की तबीयत खराब है, वही कमाने वाले थे, और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी को जाने पड़ रहा कमाने। तो अगर ये बच्चे बड़े बड़े होते तो ये कुछ सहयोग करते कि नहीं करते, तो इनकी मम्मी को जाना पड़ता फिर कमाने, है नहीं जाना पड़ता। तो इस स्थिति बहुत शर्मनाक स्थिति है, अभी छोटे हो तुम्हारा बस नहीं है, लेकिन जब बड़े हो जाना तो ऐसा कोई काम ना करना कि किसी मजबूरी में माँ बाप को कमाने कहीं जाना पड़े, समझे। तो इसी पे बात चली थी हमारी, सुमित आ जाओगे तुम, अच्छा तो पापा की तबीयत खराब है तुम्हारी, चलो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, ठीक है।